गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू बाइकर बाय शुभी। सो आज है लास्ट डे हमारा ट्रिप का। आज हम जा रहे हैं वापस लुधियाना अपने घर। तो बस फाइनली टाइम आ गया है बाय बाय कहने का जीबी को। बट आज हमारी एक लोकेशन अभी पेंडिंग है। आज हमने जाना है मिनी थाईलैंड, तो वहाँ से होके फिर हम निकलेंगे सीधे लुधियाना के लिए। और अभी बस चेकआउट करने लगे रूम से अपने, वही देख रहे रूम की हालत। देखिए बस अभी सभी सामान अपन ले गए। मैं जा रहा हूँ ऊपर अभी, बस ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे मिनी थाईलैंड के लिए। फिर वहाँ से निकलेंगे लुधियाना के लिए। तो बस आपको दिखाएंगे आज क्या क्या होगा, क्या एक्साइटिंग होगा क्या। तो बने रहे हमारे साथ और चलें चलते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और ये भाई से पूछते हैं अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा जीपी का। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस साइड हो, लाइट इधर आ रही है। मैं नहीं, क्या जो जीबी भी का एक्सपीरियंस, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करी, वाटरफॉल गए, हाँ सारी जगह कैसा रहा, हाँ बहुत बढ़िया रहा, अमेजिंग। मज़ा आया पूरा। बहुत बहुत और बढ़िया, कल्चर वल्चर ले कैसी थी। बहुत अच्छी, व्यू बहुत अच्छा था। अभी आज जाना पर था मिनी थाईलैंड, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ देखते हैं वहाँ पे कैसा रहेगा। वहाँ मैं भी नहीं गया, मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँ वहाँ पे। ठीक। और बस उसकी चढ़ाई थोड़ी सी है, इसको बंदे को हमें धक्का लगाना पड़ता पीछे से। वो बिल्कुल ऐसे नीचे ऐसे उतर गया है, चढ़नी पड़ेगी बाद वापस में। भी हमें चढ़नी पड़ेगी। जाते रहे कोई दिक्कत नहीं, वापस भी कितना बुरा हाल आ गया। किलोमीटर का? वो तो 5-7 मिनट का है ट्रैक फिर तो कोई सारा। दिक्कत नहीं है, हाँ कोई तो बात नहीं, देखेंगे। दो अंदर वो दोनों बैठे भाई हैं। अंदर आग सेक रहे हैं। देखो जी, ये देखिए, ये बंदे अपने आग सेक रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं पूरा। मत करें गाने। तो अब बताओ अब तक का जीवी कैसे एक्सपीरियंस रहा दोनों का, बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। ट्रैकिंग वगैरह या ट्रैकिंग ही वाटरफॉल। बहुत बढ़िया थी, और ये गांव भी देखा सुबह सुबह, ये भी बढ़िया था। थोड़ा अच्छा, सा आगे चल कर गया, आगे और भी होटल वगैरह है, पूरा आइडिया ही बना और है। कल लेक पे गए, लेक कैसे रही। देख लेक तो बहुत बढ़िया, कसम। ना, आज जाना मिनी थाईलैंड अपने। हाँ, देखते मिनी थाईलैंड कह रहे हैं कि देख के बाद लगा क्या चीज़ है। उसका व्यू होता है बीच टाइप व्यू है उसका, वहाँ करेंगे एंजॉय। उसके बाद सीधा वापस ले जाना, फिर काम कर रहे हैं। फिर दोबारा वही लाइफ, बोरिंग सुबह उठो काम पे जाओ, लाइफ। घर हाउस हो जाओ। अभी ये देखिए आग से की जा रही है। दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट फाइनली मंगाया धूप भी हमने। आ गई, हाँ, धूप आ गई, देखो यहाँ पे धूप लेट आती है। यहाँ पे आई है। अभी टाइम 10 बजने वाले हैं। हाँ, 10 बज गए अब। इस टाइम धूप यहाँ आई है, देखो कितना लेट आती है धूप। तो दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट करेंगे क्या खाएंगे। और भाई कैसे जा हो? रहे हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि ट्रॉली में पता है आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रैकिंग करनी पड़ती है आगे, बस हो जाती है चलते चलते। फिर ठीक। आज राइड कर लो। भाई साहब, पड़ रहे पानी पहाड़ी का। सो गाइस, ये देखें यहाँ से हम अभी झरने जा रहे हैं पानी, नेचुरल वाटर पहाड़ों का, जड़ी बूटियों वाला। और ये जगह है यहाँ से भरेंगे पानी में। सगाई जी देखें यहाँ से हम अभी झरने जा रहे हैं पानी, नेचुरल वाटर पहाड़ों का, जड़ी बूटियों वाला। और ये जगह है यहाँ से भरेंगे पानी में। बिल्कुल साफ फ्रेश वाटर, बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है वाटर। आज ही बंदा जाएगा मिनी थाईलैंड, भाग के जाएगा, भाग के वापस आएगा। भाग के जाना है, भाग के वापस आना है, ये छोटा ट्रिप है बिना रुके। हाँ, तो
मिनी थाईलैंड और जस्ट पहुंचने वाले आपको दिखाएंगे कहां से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। एक जगह है कुली कांटी करके ऐसे कुछ नाम है, वहां से इसका ट्रैक स्टार्ट है और वो हमारे सामने आ ही गया ऐसे। और देखिए सामने बोर्ड लगा है कुली कांटी करके ऐसे कुछ नाम है इसका। ये देखिए ये इधर से दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे गाड़ी देखें कहाँ पार्क करनी है, मैंने गाड़ी पार्क करनी है पंखा यहाँ पे दो, और फिर लेके चलते हैं आपको नीचे यहाँ से। सो हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है सेफली साइड में और नीचे जा रहे हैं कुली कांडी। एक्चुअल में यहाँ पे जो एरिया का नाम है कुली कांडी है, वैसे इसको एक सेपरेट नाम दे रखे हैं मिनी थाईलैंड। और अब गूगल मैप पे सर्च करो मिनी थाईलैंड तब भी यहीं पे आपको ला के ड्रॉप करेगा, यहीं की लोकेशन है वो। और ये बंदे को टेंशन बढ़ गई देख के फिर चढ़ाएगी भाई नीचे उतर के वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक 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 और वो बोर्ड लगा है वहाँ से हम जाएंगे नीचे को। ये रास्ता है नीचे से लोग आ रहे हैं देखो, यहाँ पे लिखा है प्लीज हेल्प इन। तो यहाँ से देखो ट्रैक शुरू हो रहा है कुली कांटी का। देखो यह है कुली कांटी, यहाँ से नीचे को ट्रैक जा रहा है मिनी थाईलैंड को। देखो आवाज़ इतनी तेज आ रही है ना पानी की, इस नीचे मोटर चल रही है वही। और यहाँ से अभी हम खिंचाएंगे फोटो यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे नीचे। ये देखिए जी कितना पतला रास्ता है और ये गुफा आ गई आगे, डाकू मंगल सिंह की गुफा है ये। आ जाओ आ जाओ, ये देखिए गुफा। सो फाइनली दिस इज द व्यू। ओ आ गया आइए, दिस इज द व्यू फाइनल। अरे 5 मिनट नहीं लगे यार हमें। चलो जी अब हम भी जाएंगे नीचे और करेंगे एंजॉय थोड़ी देर, फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे बढ़िया सी। तो ये देखिए जी ये है मिनी थाईलैंड और मैं फर्स्ट टाइम देखता हूँ गोप्रो अपना अंदर डाल के पानी के अंदर, मैंने आज तक कभी डाला नहीं। ये देखिए कैसा व्यू है, ये देखिए जी यहाँ फोटोशूट चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। हम रील्स बना रहे हैं फोटोज खींच रहे हैं यहाँ पे। ये भाई देख रहा है इसका नंबर कब आएगा, ये बंदा फोटोग्राफर है सुखिंदर सिंह और प्रिंस चौहान। ये बंदा वहाँ खड़ा फोटो खिंचाता हुआ, अब थोड़ा सा उधर चलते हैं, उधर चल के फिर दिखाएंगे और थोड़े से रील्स बनाते हैं यहाँ पे। सो अभी एक और लोकेशन पे है वहीं पे इसके साथ में ही है, थोड़ा सा उससे पीछे आके यहाँ भी हमारी फोटोग्राफी चल रही है। और पानी इतना ठंडा है ना हमें हाथ डाला था, हाथ पूरे सुन्न हुए हमारे। भैया ऊपर आके बनाओ बहुत अच्छा है पानी। अच्छा जी आए सर सभी और वो पॉइंट है जहाँ से मिनी थाईलैंड व्यू दिखते वाला, वहाँ पे लोग नहाते भी हैं पर इस टाइम हमारी हिम्मत नहीं है, इतनी ठंड है ना, इतना ठंडा पानी है। तो देखो यहाँ भी नहा सकते हैं हम, यहाँ नहा सकते हैं अभी हमारी फोटो। सो गाइस आ चुके हैं ऊपर वापस
और अब निकलेंगे सीधा लुधियाना के लिए। और बीच में तो ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे हम कर लिए थे हमने, लंच वगैरह तो होगा, स्नैक्स वगैरह तो होंगे, वो दिखाएंगे आपको और क्या क्या करेंगे। बाकी बंदे हमारे सारे ऊपर आ चुके हैं, गाड़ी रेडी है हमारी, और सब निकलेंगे आगे सीधा लुधियाना। सो गाइस निकल रहे हैं वापस, ये है जीवी का बोर्ड, और सर फाइनली बाय बाय करते हुए जीवी को, कर दो बाय बाय उसे, जीवी बाय बाय। और अब बस हम रास्ते में देखेंगे कहाँ कहाँ रुकेंगे वो दिखाएंगे आपको, और आज भी इंजॉय करेंगे वो पूरा वो दिखाएंगे आपको। और बस अब सीधा निकलेंगे लुधियाना को, रास्ते देखेंगे कितने बंदे। सो गाइस हम आ चुके हैं मंडी मनाली रोड पे, और टनल हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी रुके थे यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के, वो देखे वहाँ सामने लकड़ी वाला पुल है वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के रुके हम, और नीचे नदी देखो कितनी बड़ी जा रही है, और पूरा क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ चमकता हुआ पानी। और अभी जाएंगे वहाँ पे लकड़ी वाले पुल पे और खिंचाएंगे फ़ोटो। सो गाइस ये देखिए, ये एक्चुअली लोहे का पुल है, लकड़ी का नहीं है, मेरे को पहले लगा था कि लकड़ी का पुल है, पर यहाँ पे इतना हिल रहा है ना पुल, ये पूरा ऐसे झूलता है, डर लग रहा खड़े होने में, ये बंदे वैसे चार के बराबर है पूरा ऐसे हिल रहा है पुल। चल जल्दी चल यार, मेरे वीडियो बनाते आंदे जी। हाँ एक बंदा वहाँ डर के सामने खड़ा है, वहाँ पे वो वहीं खड़ा है, उसको डर लग रहा है आने में, और नहीं डर लग रहा चल जा, कोई आ ही नहीं रहा। सो पहुँच चुका मैं अपनी लंच की लोकेशन पे, और ये वही ढाबा है जहाँ पे उस दिन रात को हम आते हुए रुके थे, और यहाँ पे पूरी इतनी सारी बसें खड़ी थी, यहाँ पे 10-12 बस खड़ी थी और कुछ भी नहीं है। तो बस अभी हम जाएंगे यहाँ पे अंदर, ये है ब्यास व्यू ढाबा, गेस्ट हाउस एंड ढाबा। तो बस अब दिखाएंगे आपको क्या क्या लंच करेंगे, क्या खाएंगे, और इस बंदे को बहुत भूख लगी हुई है, ज़्यादा भूख से तड़प रहा है बस दिखाते हैं आपको अंदर जाके भाई क्या है। ये है ढाबा जी, अगर ओके पहले और हमारा खाना आ चुका है, सभी पेट पूजा करके फिर निकलेंगे ले जाने के लिए आगे, और रास्ते में दिखाएंगे क्या होगा। ये है शाही पनीर और दाल, और ये बंदा अपने फ़ोन में फोटो देख रहा है अपनी, अब ये 6 महीने का फोटो डालेगा क्या करके ये बंदा रील बनाने लगा हुआ है, शाहरुख खान का फैन, इसको भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, आईडी मेंशन कर, आईडी सभी की मेंशन कर देंगे, आगे मेरे को भेजेंगे ये तो मेरे साथ एक दो बंदे मेरे साथ ऐड नहीं अभी तक नहीं नहीं मैं कर चलो दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए हमारे सामने रोड क्लियर करी जा रही है, और बिल्कुल हमारे गाड़ी के आगे से उठा रहे पत्थर, हमें डर लग रहा है कि हमारे क्रेन ना मारे कहीं हमें जगह
सो गाइस अभी रुके हैं थोड़े से ब्रेक के लिए और चाय पीने के लिए रुके हैं। ये है छोटू ढाबा और ये खड़ी हमारी गाड़ी और यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुके हैं, डिनर तो हम करेंगे घर जाके, अभी चाय पीने के लिए बैठे हैं। पंजाबियों की जिंदगी चाय में होती है। सुस्ती से पड़ी है क्योंकि गाड़ी भी हम मज़े से लेके आ रहे हैं, बट फिर भी एक गाड़ी को ब्रेक चाहिए और हमें भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, चाय भी चाहिए हमें। हाँ, एक बंदा सोने कगार पे है। चल रही है चाय पार्टी, नहीं हरमन मेरे गाना लाया सीगा, मैं वार्म अप हो रहे हैं अगली जर्नी के लिए। चलो जो रिमेनिंग जर्नी है सर पहुंच चुके हैं जी वापस घर पे फाइनली, और 10 बज गए हैं, नहीं 11 बजने वाले, अब हम 10:30 पहुंच गए थे, बहुत टाइम से आ गए और इन भाई लोगों को जाने का टाइम आ गया। अब बाय बाय इनको, अभी लाइट में इतना नहीं दिख रहा। चलो जी बाय बाय पंडित जी, ओके ओके बाय बाय। अभी बेचारे सीधे जाके सोएंगे घर पे, ओके बाय बाय बाय। सो गाइस आ चुके हैं वापस अपने घर, फाइनली पहुंच ही गए 3 दिनों के बाद। और इस ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, बहुत अमेजिंग रहा, काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनाई हमने और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। वैसे मैंने कुछ पहले भी देखी हुई थी पर हर बार एक अलग व्यू होता है, एक अलग चीज़ होती है देखने को। तो आपको भी वीडियो आई थिंक अच्छी लगी हो, जो जितनी भी सीरीज़ है ये उस जितने वीडियोज़ हैं इसकी सीरीज़ की पूरी। सो वीडियो की अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें वीडियो पे, और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली सीरीज़ में किसी अगले वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।